हाँ, मेरी YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी क्यूरिसिटी आ रही थी कि पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। मेरे ऊपर FIR हुआ, मेरे ऊपर इस केस को लेकर FIR हुआ है, तो क्या मेरी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपकी किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप जब फॉर्म भरने लगते हैं तो उसमें रहता है कि आप क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है कि नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है तो आप कोई भी नौकरी हो आपको, अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और आपके ऊपर आपराधिक मामला है तो आप उस पर ज़रूर यस कर दीजिए। कुछ भी क्यूरिसिटी उसमें मांगेगा तो आप जो है उसको फिलिप कर दीजिए। और इसके बाद केवल केवल बलात्कार का मुकदमा आपके पास नहीं होना चाहिए, और कुछ झगड़े या कुछ भी चीज़ का आपके पास मुकदमा, खेत खतौनी जो भी है, कुछ की भी अगर मुकदमा आपके पास है तो आप बिल्कुल ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर तभी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं जब आपने वहाँ यस किया होगा। अगर आपने यस नहीं किया होगा तो आप बिल्कुल जो है ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग लेटर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आकर आपके घर जो है लौट जाएगा। ये अगर आपका कहीं भी थाने में आपका नाम है, ये जान लीजिए आप पक्का है। तो आपके ऊपर अगर कोई ऐसा FIR है तो आप बिल्कुल उसमें मेंशन करिए, यस हाँ मेरे पास है। और इसके बाद आप जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, आपका आसानी से हो जाएगा। मेरे संपर्क में जो है दो लोग का ऐसा हुआ था, वो ऐसे बलात्कार में नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसे झगड़े टंटे में उनका जो है मुकदमा चल रहा था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन आने के बाद उन्होंने यस नहीं, उस फॉर्म में यस नहीं किया था, तो उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग रुक गई थी। और उसके बाद भी आपकी ज्वाइनिंग, ऐसा नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग, आपकी भर्ती जो है कैंसिल हो गई, आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा होगा या कोई चीज़ का FIR चल रहा होगा, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप जो है ग्रुप में, अगर किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप ग्रुप में जाइएगा तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप अलग से, आपकी जिससे मुकदमा आप जीत गए इसके बाद आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, अलग करने आपकी ज्वाइनिंग होगी, 100% श्योर है कि अगर आप नौकरी पा गए हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अगर आप देर में जाते हैं तो आपको थोड़ा अलग निगाहों से देखा जाएगा या ऐसा कुछ है। तो आप झगड़ा टंटा अपने पड़ोसियों से करिए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। लेकिन ये है कि जो बलात्कार है इसको ना करिए, क्योंकि ये सबसे, अगर आपके ऊपर बलात्कार का FIR हो गए तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। आप कोई भी नौकरी, A to Z कोई भी नौकरी हो, भारत की या कहीं की भी, आप जो है ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ है, आप जो है सब चीज़ करिए, लेकिन इसको, इससे बचते रहिए, ये सबसे गंदा चीज़ है। और झगड़े टंडे की मुकदमा रहेगी तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद, आप जैसे ही मुकदमा जीतते हैं आपकी ज्वाइनिंग पक्का होगी। तो यही छोटी सी वीडियो थी, और काफ़ी लोगों की ये जिज्ञासा थी कैसा होता है वेरिफिकेशन, किस हिसाब से होता है, मेरे ऊपर ये FIR है, वो FIR है, या झगड़े टंडे की जहाँ कुछ भी है, तो आप घबराइए ना, बिल्कुल ज्वाइनिंग करिए। तो जय हिंद, जय इंडर, जय प्रयागराज, जय संगम। यही छोटी सी वीडियो थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत कारगर वीडियो होगी। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लड़के अभी लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मतलब किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और आपको फॉर्म में वो मांग रहा है कि आपके ऊपर पुलिस मतलब कोई आपराधिक मामला है कि नहीं, तो आप बिल्कुल वहाँ पर यस करिए। और यस करने से आपको ऊपर जिज्ञासा नहीं होगी, बस थोड़ा इंक्वायरी होगी, इसके बाद आपको किस हिसाब से मुकदमा अगर बलात्कारी की नहीं रहेगा तो आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा। तो जय हिंद, जय इंडर, जय प्रयागराज, जय संगम, जय हिंद।